परदेश में आकर और कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, एक चीज़ ज़रूर सीख ली है कि जिस तरह खाना आपकी फिजिकल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है ना, उसी तरह स्पोर्ट्स आपकी मेंटल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कि जर्मनी में रह के आप कौन सी स्पोर्ट्स कहाँ पे खेल सकते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। आज आपका भाई एक जगह पे आया है जहाँ पे मुझे इनवाइट किया गया है कि भाई आओ हमने खेलना है, तो मैं थोड़ा सा कवर कर लेता हूँ। मैं आया हूँ शान भाई के साथ। ये वाला कोर्ट है, ये पीछे टेनिस का कोर्ट है, लेकिन आज हम टेनिस नहीं बैडमिंटन खेलेंगे। आपको पता है ना कितना डाइवर्स हूँ, हर स्पोर्ट खेलता हूँ भाई, किसी भी स्पोर्ट में अच्छा नहीं बट खेलनी जा रही है। ये मेरे पास साथ शान भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम शान भाई। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू मुझे राइड देने के लिए। क्या हाल चाल है बेटा? ठीक, रेडी हैं आप हारने के लिए? देखते हैं आपकी गेम, अभी फिर डिसाइड करते हैं। गेम बहुत ऊपर की है, आती हो ना आती हो बस प्रेशर डालो, ये कह के ऊपर की है। तो यहाँ पे नॉर्मली ये सीन होता है कि जब आपने किसी इंडोर कोर्ट्स में खेलना होता है तो इस तरह की रजिस्ट्रेशन होती है। पहले आप रजिस्टर करवा लो, उसके बाद डायरेक्ट आप यहाँ इंडोर कोर्ट्स में खेल सकते हैं। अगर आप रेगुलर हैं, मतलब आपने हर हफ्ते खेलना ही खेलना है, तो आप ये सीन कर सकते हो कि यहाँ पे मेंबरशिप ले लो, जिस तरह कॉमनली पाकिस्तान के क्लब्स में भी यही होता है। मेंबरशिप लो और वीकेंड में एक दो दफ़ा आ जाओ, सीन ऑन करो, चलो मैं बाकी सीनियर से मिलूँ, पहली दफ़ा मिल रहा हूँ। तो ये हमारे सीनियर्स हैं जो कि उल्म से पढ़े हुए हैं, अब ये सारे जॉब कर रहे हैं। जब तक मेरी बारी नहीं आती तब तक आपको क्लब की थोड़ी सी सैर कराते हैं। तो क्लब होने के साथ साथ यहाँ पर कैंपिंग सीन भी है, आप चीज़ें भी ख़रीद सकते हैं। डिफरेंट कैंप्स हैं, डिफरेंट प्राइसेज हैं, ये सारे कैंप्स हैं। तो यूजुअली मैं जब टेनिस खेलने आता हूँ यहाँ पे, तो मैं इंडोर नहीं खेलता, लेकिन यहाँ पे इंडोर कोर्ट भी है। नॉर्मली जब विंटर्स होती हैं यहाँ पे तो बर्फ़ अक्सर पड़ी होती है दिसंबर या जनवरी के महीने में, तो तब आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पर आके इस जगह पर इंडोर टेनिस खेल लें। और इंडोर कोर्ट के साथ साथ आउटडोर कोर्ट भी है यहाँ सामने। ये वही कोर्ट है जहाँ पे मुझे मेक्सिकन बॉय के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब मैं बहुत इम्प्रूव कर गया हूँ, लेकिन फिर भी पिछले दिनों हार गया था। और इम्प्रूव करके जीत जाऊँगा, टेंशन नहीं है, जीतेंगे इंशाल्लाह जीतेंगे। तो बैडमिंटन कोर्ट के साथ ही बिल्कुल आपके पास स्क्वॉश का भी है। स्कोश तो भाई अपने जहांगीर खान साहब खेला करते थे, मतलब क्या लेवल के प्लेयर थे यार, मतलब कमाल यार, कमाल, नो वर्ड्स। कभी कभार आपको ज़िंदगी में ऐसे लोग मिलते हैं जो बिना वजह आकड़ते हैं, मतलब एनी दिखाऊं ऐसा बॉय दिखाऊं आपको, ये देखें ये देखें। क्लब के अंदर साथ ही कैफेटेरिया टाइप सीन भी है ये वाला, तो हार तक के खेलने के बाद यहाँ पे बैठ के आप ड्रिंक्स वगैरह भी ले लें। अच्छा, एक यहाँ की बात जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी है और बड़ी अजीब सी भी लगी है, वो ये कि यहाँ पे वीकेंड में आपकी प्राइस से हाफ कर देते हैं। मिसाल के तौर पे जिस तरह बाहर जो टेनिस कोर्ट है, वहाँ पे अगर आप कोर्ट बुक करवाते हो तो आपको एक घंटे के 20 यूरो देने होते हैं, लाइक जब आप नॉर्मल डेज में खेलने आते हो। और वही अगर आप वीकेंड पे आते हो, वीकेंड यहाँ सैटरडे संडे को होता है, तो आप सैटरडे संडे को जब यहाँ पे आओगे तो संडे को आपको उसी कोर्ट के 10 यूरो देने पड़ेंगे। तो सपोज आप 4 लोग आए हो तो आप 10 यूरो 4 में शेयर कर लो दिन, इसी तरह 20 यूरो जब वीक डेज में तो 20 यूरो शेयर कर लो। अब वीकेंड पे नॉर्मली प्राइसेस बढ़नी चाहिए, यहाँ पे वीकेंड में नॉर्मली प्राइसेस कम हो जाती हैं। सेंस नहीं बन रहा ना, मुझे भी नहीं समझ आ रही, बट कोई ना कोई सीन होगा। गोरे बड़े तेज़ होते हैं, ऐसे कुछ नहीं करते, बड़े तेज़ हैं, कुछ ना कुछ चक्कर हो। और यहाँ पे जोन स्पोर्ट के नाम से एक शॉप भी है ये वाली, इसके अंदर मैं अभी नहीं जा सकता क्योंकि ये बंद हुई हुई है, लेकिन आपको कपड़े नज़र आ रहे होंगे। संडे को यहाँ पे सब चीज़ें बंद होती हैं, अगर मैं यहाँ पे कल आता सैटरडे वाले दिन तो ये चीज़ खुली होती,
लेकिन यहाँ पे प्राइसेस महंगी होंगी, लाइक नॉर्मल मार्केट में आपको चीज़ें कंपेरेटिवली यहाँ से सस्ती पड़ जाएंगी। भागना पड़ता है भाई, बहुत भागना पड़ता है। तो हमारे साथ हमारे बड़े सीनियर अयाज भाई हैं जो कि नोकिया में जॉब कर रहे हैं। अयाज भाई हाय। तो अगर किसी को कोई मदद की ज़रूरत हो ना तो अयाज भाई हेल्प बड़ी अच्छी है। बिल्कुल। आप कौन सी फील्ड में काम कर रहे हैं? मैंने यहाँ से मास्टर्स किया है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, उसके बाद PhD किया है TU से, और उसके बाद 2013 से नोकिया में एज ए RF स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ। तो हाँ, उल में काफ़ी ऐसे से हूँ, 2008 से मैं यहाँ पे हूँ, तो इसलिए काफ़ी बंदों से जान पहचान है। तो आप लोग जब भी आए उल में हों या बाहर से आ रहे हों या कुछ हेल्प की ज़रूरत हो तो बिल्कुल कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ सईद भाई हैं। सईद भाई, आप क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। आपने किस फील्ड में काम किया होता है? पाकिस्तान से मैंने इंजीनियरिंग की थी, कोई भी हेल्प चाहिए तो सारे सीनियर आपकी हेल्प के लिए। ओके जी, थैंक यू। चले भाई, ये था आज का ब्लॉग हमारा। अब मैं निकल रहा हूँ वापस, नहाता धोता हूँ, पसीनों पसीनी हुआ भाई। अब इसलिए